हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा दो यूनिक प्रकार के जनरेटर्स। पहला हो गया आपका स्पीकर जनरेटर, जिसके लिए आपको एक स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इस पर ठीक है, और आप दो एलईडीज़ ले लीजिएगा। मैंने एक रेड ली है, एक येलो वन। और दूसरा टाइप का जो मैं जनरेटर दिखाऊँगा वो होगा मैग्नेटिक टैप जनरेटर, जिसके लिए आपको एक सॉफ्ट आयरन बोल्ट चाहिए होगा, दो कॉइल्स ले लीजिए और एक में आप रेड एलईडीज लगा दीजिए और दूसरी कॉइल में आप ब्लू एलईडी। और आपको कुछ नियोडीमियम मैग्नेट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने ये दो स्ट्रॉन्ग नियोडीमियम मैग्नेट्स लिए हैं। तो चलिए देखते हैं इन दोनों टाइप ऑफ जनरेटर्स की वर्किंग। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो स्पीकर जनरेटर की वर्किंग देखने से पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्पीकर जनरेटर का सर्किट डायग्राम में ये हो गया आपका स्पीकर, ये हो गई दो कॉइल्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। पहली हो गई आपकी प्राइमरी कॉइल, दूसरी हो गई सेकेंडरी कॉइल। फ्रेंड्स, यू मस्ट बी नोइंग दैट जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है आपका ये, इसमें जो प्राइमरी कॉइल्स होती हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं कंपेयर टू द सेकेंडरी कॉइल्स। इसी वजह से यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज़ करती है, बिकॉज सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ये हो गई आपकी दो एलईडीज़, एक हो गई आपकी रेड वन, दूसरी आपकी येलो वन। तो चलिए आप स्पीकर जनरेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ये जो दो ब्लू वाले वायर्स हैं, इन दोनों स्पीकर के टर्मिनल्स में मैं कनेक्ट कर देता हूँ। आई एम जस्ट कनेक्ट बोथ दीज ब्लू एंड ऑफ द वायर टू दीज स्पीकर टर्मिनल्स। एक टर्मिनल कनेक्ट हो गया है, ये दूसरा टर्मिनल भी कनेक्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो येलो वायर आपको दिख रही है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, ये एक्चुअली बेसिकली अर्थिंग होती है। यू कैन लीव दैट, और आप ये बीच वाले टर्मिनल में स्पीकर को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे को अब हॉट ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे पास हॉट ग्लू गन है जिसको मैं ऑन करता हूँ, एंड आई विल मेक श्योर दैट ये जो स्पीकर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और ये जो एलईडीज़ हैं ये प्रॉपरली ग्लू हो जाए। So we'll wait for 4-5 minutes till this hot glue gun becomes operable. Alright friends, तो hot glue यूज़ करने के बाद और 3-4 मिनट वेट करने के बाद अब ये कनेक्शंस जो हैं सारे सिक्योर हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्पीकर हो गया, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, और ये जो दो एलईडीज़ की वायर हो गई रेड वायर, ये एकदम सिक्योर हैं। तो चलिए अब इस स्पीकर जनरेटर को चलाने की कोशिश करते हैं। इस स्पीकर जनरेटर को चलाने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि आप ये कैपेसिटर्स की मदद से भी इस इन दोनों एलईडीज़ को प्रॉपर्ली जला सकते हैं। लाइक ये जो मेरे पास 470 माइक्रोफैराड्स का ये जो कैपेसिटर है, आप ऐसे ही 2-3 कैपेसिटर लेके, एक यू नो यूनिडायरेक्शनल डायोड लेके इस इन कैपेसिटर्स को चार्ज कर सकते हैं और बाद में इन दोनों एलईडीज़ को जला सकते हैं। बट दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम यू नो, एंड वुड मेक दी सर्किटरी मोर कॉम्प्लेक्स। सो मैं आपको रियल टाइम ही स्पीकर टैप करके ये दोनों एलईडी जला के दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, तो एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इसमें तेज़ आवाज़ बोलूँगा या चिल्लाऊँगा तो ये दोनों एलईडीज़ नहीं जलेंगी, बट मैं अगर इनमें स्पीकर में टैप करूँगा तब ये दोनों एलईडी ज़रूर जलनी चाहिए। इस पे एलईडी को मैं साइड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये रेड और येलो एलईडीज स्पीकर टैप करने पे जलती है या नहीं। लेट्स चेक। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये रेड एलईडी तो ढंग से जल रही है, लेकिन ये येलो एलईडी इतनी खास नहीं जल रही, बट रेड एलईडी ज़रूर बढ़िया जल रही है। This is the speaker generator, friends. Alright friends, तो अब हम मैग्नेटिक टैप जनरेटर की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन वाली पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि ये जो रेड वाली कॉपर कॉइल है और ब्लू वाली कॉपर कॉइल है, ये पिछली वीडियो में मैंने यूज़ करी थी। तो मैंने इन दोनों यू नो कॉपर कॉइल्स को कंबाइन कर दिया है इस बोल्ट में टू मेक इट मैग्नेटिक टैप जनरेटर। तो देखते हैं ये मैग्नेटिक टैप राइट। तो इस मैग्नेटिक टैप जनरेटर को ऑपरेट करना बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। यू टेक बोथ दीज फ्रॉम मीडियर मैग्नेट्स एंड जस्ट टैप वन ऑफ दीज एंड ऑफ द बोर्ड, तो एंड दिस शुड लाइट अप बोथ द एलईडीज, दिस ब्लू वन एंड रेड वन। तो चलिए टैप करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये ब्लू एलईडी एंड रेड एलईडी बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्लो कर रही है। तो मैं इस लाइन को टैप करता हूँ। चलिए इस एंड से भी ट्राई कर लेते हैं। ये मैंने मैग्नेट की पोलैरिटी स्विच कर ली है इन दोनों न्यूक्लियर मैग्नेट्स की। अब मैं यहाँ पे इस एंड में टैप करूँगा इस बोर्ड। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये ब्लू एलईडी तो उतनी खास नहीं जल रही, बट रेड एलईडी बहुत बढ़िया तरीके से जल रही है। अब वैसे तो अगर मैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर मैग्नेट्स इस टैप जनरेटर के आसपास भी देखता हूँ तो भी रेड एलईडी आराम से तो दिस इज द टैप जनरेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो।